अच्छा मेरा सवाल आप लोग सबसे है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और आप आफ्टर टेंथ लाइफ का इन्वेस्टमेंट आपका स्टार्ट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिससे आपको रिटर्न मिले, मतलब हमने आज पैसा खर्च किया तो भविष्य में क्या मिले, उसको प्रॉफिट मिले। दसवीं के बाद की जो पढ़ाई होती है ध्यान रखिएगा, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। क्या कहते हैं? और सही सही बताइएगा, दसवीं के बाद भयंकर इन्वेस्टमेंट आपने किया, आपके माता पिता नहीं किया तो आप कुछ कर नहीं रहे, लेकिन रिजल्ट क्या है, रिटर्न तो है ही नहीं। आपने 11th 12th में कॉमर्स लिया, कॉमर्स आप ढंग से पढ़ाई नहीं की, पास हो गए। कॉलेजों में आपने ग्रेजुएशन में अपने सब्जेक्ट्स आपने लिए, पढ़ाई नहीं की, घूमते फिरते रहे, पास होके निकल गए, आप नौकरी तो मिल नहीं रही। यानी आपने अपने 5 साल के इन्वेस्टमेंट को डुबो चुके हो, शायद आपको पता नहीं है। 5 ईयर का इन्वेस्टमेंट जा चुका आपका, रिटर्न मिला क्या? क्या आप आज 5 साल के पढ़ाई के बाद अपने परिवार का एक दिन का भी खर्चा उठा सकते हो क्या? नहीं उठा सकते। तो 5 साल का तो लॉस करवा चुके हैं, कई लोग मास्टर्स भी कर चुके हैं वो 7 साल का लॉस करवा चुके हैं। अब इस लॉस को करवाने के बाद भी कई लोग बड़े लैक्स से बोलेगा अभी तो पापा है कोटे से। मेरा आपसे सवाल है, कितना इन्वेस्टमेंट लॉस करोगे? आपको ध्यान रखना है कि अब आप जो भी करें उससे पैसा मिले, जिससे मैं कम से कम सेटल हो सकूँ, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ड क्या है, सेटल होना। सेटल होने का मतलब मेरा फादर मदर के कंधों के झूले। तो आपको मैं 26 ऐसे पॉइंट बता रहा हूँ जिसके द्वारा आप उस पर इन्वेस्टमेंट चालू करें तो कुछ रिटर्न्स भी मिले। पहला आपको ध्यान रखना है डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब रोज खुद को रीड करना कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को रीड कर रहे हैं। समय बाजू वाला मर्सिडीज में आता है तो मर्सिडीज देख के बड़ा जलता की होती रहती है, मर्सिडीज आया, मर्सिडीज में आया। अरे मर्सिडीज में वो आया तो तुम तो साइकिल में लटके 4 साल से, तुम मर्सिडीज में गाड़ी जाते। यानी तुम खुद को रीड नहीं करो, दूसरे को रीड करो। डेली सेल्फ रिफ्लेक्शन का मतलब खुद को रीड करे कि मैं कितना प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मेरे फोन में, मेरे गाड़ी में, मेरे कपड़ों में, मेरे रहन सहन में कोई परिवर्तन आ रहा है? कल भी फटा पहनते थे, आज भी फटा पहनते हैं और भविष्य भी फटा ही रहेगा। और दूसरों का देख देख के चलते जाओ, दूसरे हेलीकॉप्टर से उतर गया, बोलेगा आप लग गई तुम दम होने लगा सीने में, हार्ट अटैक आ गया, हेलीकॉप्टर से उतर गया बेचारा। तो खुद को देखो वैसा, दूसरे को मत देखिए। दूसरा है सेट गोल करिए, अपने कुछ गोल्स को निर्धारित कर लीजिए, करना क्या लाइफ में, ठीक है? आपको ध्यान रखना है कि बस बहुत मजाक होगा, ठीक है? आपका बनना डिसाइड कर लो, नहीं तो पार्टियों में, अब नवंबर से शादियाँ चालू होंगी, पार्टी में जाओगे सवाल वहीं पे होता है कहाँ सोचा आगे की, ठीक है? तब तुम लोग थाली लेके इधर घुसना उधर घुसना, कहाँ कहाँ घुस सके, हर जगह कोने में मिल जाता है, क्या सोचा आगे का क्या प्लान है? और इनमें एक और वर्ग भी मिलता है जो कहता है मेरा बच्चा तो विदेश में नौकरी करने लगा, तब तो समझ लो ऐसा लगता कि थाली छोड़ के भागी जाओ। तो आप गोल सेट कर लो, खाना मुश्किल, कहीं कार्यक्रम में जाना मुश्किल, और घर में अगर मान लो तुम्हारे घर में कोई कार्यक्रम हो गया तो फिर कहाँ छोड़ोगे मेहमानों से, मेहमान तुम्हारे घर में आए, छुपो ऊपर जाके छत में खड़े रहो जब नहीं दे पा रहे। तीसरा लिखी का चैलेंज योर सेल्फ डेली, खुद को रोज चैलेंज दो। क्या है तुम्हारी जो शरीर है ना, ये शरीर ध्यान रखिएगा एक बहुत ही आइडल वो शरीर है, क्या ढीला ढाला शरीर, इसको कुछ कुछ करने की इच्छा नहीं होती। इसको कहता है कि ये कहता है कि एक जगह लेट जाओ और मुंह के सामने पकौड़े आ जाए, मुंह के सामने खाना आ जाए और सब कुछ खाए और चद्दर डाल के क्या करे, सो जाए। लेकिन आपको ध्यान रखिएगा आपके शरीर को क्या करना होगा, एक तो चैलेंज देना पड़ेगा। हम लोग इंसानी शरीर ध्यान रखिएगा सबसे स्वस्थ शरीर माना गया है, जानवर भी ध्यान रखना अपने सारे काम रोज करता है, इंसान को जाप मानना पड़ता था काम करता है। तो चैलेंज कैसे देने का, रोज सुबह उठने का चैलेंज, कितने बजे उठना है, उठ के एक्सरसाइज करना है, ठीक है? और कई लोग नहाते नहीं है उनका चैलेंज, नहाओ रोज सुबह जाकर ठंडा पैर जितना भी हो। कई लोग पूजा पाठ नहीं करते, चैलेंज होगा पूजा पाठ करेंगे भले ही अगरबत्ती जला के भगवान के सामने करें, माता पिता को प्रणाम करने का चैलेंज होना चाहिए, कुछ अच्छे वीडियो देखने का चैलेंज, पढ़ाई 4 घंटे करेंगे चैलेंज, ठीक है? घूमने के लिए चाहे कितने दोस्त परेशान करें लेकिन 4 घंटे ना उठेंगे, ठीक है? खाने का टाइम, सोने का टाइम, सारी चीज़ें आप चैलेंज दो कि ये करना ही है, चाहे शरीर कितना रोए, अरे नहीं नहीं मत रुक जाओ, मत उठो, मत खाओ, लेकिन हमें करना है। तो चैलेंज खुद को देना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग इतने आलसी शरीर लेके हो ना, तुम लोग कहना खुद भी सबके शरीर आलसी शरीर है,
हमारा शरीर ना हमें डुबो देता पता आगे चलते कि पता चला कि बाद में नौकरी मिली नहीं अब लेटे रहो भूख भी लगे तो क्या करें खाने के लिए कुछ है नहीं। चौथा हेल्दी डाइट खाना अच्छा खाओ दूसरे को छोड़ा नहीं हमारे शहर में डाइट चार्ट फॉलो करने का नियम नहीं है बड़े शहरों में होता है अमेरिका में भी लोग डाइट चार्ट फॉलो करते हैं आपकी जवान उम्र में क्या क्या आपको खाना चाहिए पता है प्रोटीन कितना लेना चाहिए विटामिन कितना लेना चाहिए फैट कितना लेना चाहिए कुछ पता ही नहीं तो आप डॉक्टर के पास जाइए डाइट चार्ट पूछिए सर मैं जवानी में क्या खाऊँ कितना खाऊँ जिससे मेरे शरीर में ताकत रहे कईयों के शरीर में ऐसा देख के लगता है कि शरीर में शक्ति है ही नहीं और ऐसा लगता है कि 60 इयर्स की उम्र आपकी ना हो जाए कुछ दिन बालना पक जाए तो डाइट चार्ट आप डॉक्टर से मिले एक डाइट चार्ट लो कि जवान लड़का या लड़की क्योंकि बॉयज एंड गर्ल्स का डाइट चार्ट थोड़ा अलग और एज वाइज भी अलग हो जाता है तो आप डाइट चार्ट लेके वैसा डाइट अभी लीजिए क्योंकि शरीर को अगर आज आपने खोखला किया ये मान के चलिएगा कि शरीर आने वाले 10-20 सालों में इतने हॉस्पिटल के चक्कर लगवाएगा कि तुम लोन ले लेके अपने शरीर के इलाज कराते रहे लंबे ध्यान रखना अभी शरीर से कमाने का सोच रहे हो ना कल पता है शरीर का इन्वेस्टमेंट कभी लीवर खराब कभी किडनी खराब कभी दिमाग खराब हार्ट अटैक आ गया 40 साल की उम्र में आते आते सब खत्म हो गया तो हेल्दी डाइट के लिए डॉक्टर से मिलिए डाइट चार्ट लीजिए कुछ नहीं है तो यूट्यूब में भी बहुत सारे लोग डाइट चार्ट डालते हैं आप उसी डाइट चार्ट को फॉलो कर लो वैसा पूरा से मिलिए डॉक्टर से ठीक है कितने आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो बिना रुके 8 घंटे की ड्यूटी कर सकते हैं इसलिए वहाँ तुम कर सकते हो तुम्हें फिटनेस दिखता है कितने का तुम लोग का फिटनेस दिखता है एक ब्रेन सप्लीमेंट इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग अपने दिमाग के लिए उपयुक्त दवाइयाँ या अपने दिमाग के लिए जो आयुर्वेदिक बहुत सारी दवाइयाँ आती है उसको लीजिए और एक बहुत अच्छी बात मैंने पहले बताया प्राणायाम करें जिससे थोड़ा ऑक्सीजन लिया जाए इसको ऑक्सीजन की बहुत जरूरत है ये सब तुम्हारा अभी सबसे मेन हिस्सा ये चलेगा ना तो तुम मर्सिडीज जल्दी खरीदोगे ये नहीं चलेगा तो साइकिल में आ जाओगे बहुत जल्दी क्योंकि इंसान और जानवर के बीच में फर्क सिर्फ इसी का है ना इसको इसको ज़्यादा ताकत देनी होती है ताकत देने के लिए क्या करो ऑक्सीजन दो ताकत देने के लिए वॉक करो एक्सरसाइज करो जिम करो योगा करो अच्छा खाना खाओ और इसके लिए बहुत सारे आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी आती है साइकिलिंग करना भी जरूरी है ना सर आयुर्वेदिक दवाई पूछो इसको तेज रखो ना इसको बुढ़ा क्यों होने दे दो ये बुढ़ा होता जा रहा है तुम्हारा पता है अभी ऐसे हालत कईयों की हो गई है कि एक घंटे थोड़ा सा अगर दिमागी काम करवा दे उसके बाद पूरे 12 घंटे सुबह रहते हैं हाँ एक घंटे थोड़ा सा अगर दिमागी कसरत करवा दी 12 घंटे सुबह ही नहीं तो दिमाग को मूंगफली भी खिलाओ ठीक है बादाम खिलाओ और डॉक्टर से पूछो काका खिला इसको तेज रखना क्योंकि जेब मुझे मर्सिडीज पहुँचाएगा सर ठीक है मर्सिडीज पहुँचना है सीढ़ी चढ़ने में अगर थकने लगे माता रानी मैया की सीढ़ी चढ़ने में थक गए थोड़ा सा बस स्टॉप तक चले गए तो हाफ गए और थोड़ा सा लिफ्ट खराब हुई ऑफिस में तो पानी निकल गया सीढ़ी चढ़ने में यानी अपनी बॉडी की फिटनेस चली गई है देखो शरीर हाथ पैर को थोड़ा सा ताकतवर रखिए आपका शरीर और हाथ पैर ही आपको खिलाएगा कर ठीक है ये जो एक्सरसाइज करने के बाद लड़के टोले बनाते हैं ऐसे ऐसे ये टोले दिखाने के लिए नहीं होता फिटनेस के लिए होता है कि कल कम से कम तुम परिवार का बोझ उठा सको जांघों में भी ताकत होनी चाहिए कमर में ताकत होनी चाहिए तो उसके क्या करो थोड़ा सा हिलो डलो एक दिन में एक घंटे तो कम से कम पसीना बहाओ एक्सरसाइज करो और हम तो कहते हैं असल लड़कियों को भी देखा जिम करते सुबह जाओ जिम में चले जाओ ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है ट्रेनर जैसा बोलते हैं एक घंटा पसीना बहाओ उसके बाद बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारी उम्र में तो जाना चाहिए जिम को अब देख लो मैं तो जिम जाता था पहले तो मैं तो देखा बहुत लड़कियां आपकी उम्र में सुबह सुबह जिम करती कसरत के पसीने बहाती हैं एक्सरसाइज करो हाँ चौर से देख लो ठीक है छह सातवां पॉइंट मैं 10-10 पॉइंट के साथ सबसे बात करूंगा सेवन पॉइंट आपका है डोंट वरी अबाउट ओपिनियंस ठीक है लोग जो राय देते हैं ना उसके बारे में सोचना बंद कर दो लोग बहुत राय देंगे बहुत देते हैं ना अभी तो दे रहे हो तुम लोगों को तो फ्री में मिलता है भाई साहब सीए कर लेते भाई साहब डॉक्टर बन जाते इंजीनियर बन जाते और हमारे यहाँ पर तो ज्यादा तो लोग राय देते अरे यार पटवारी बन जाओ ठीक है कलेक्टर बन जाओ और तुम लोग क्या करते हो उसी राय को ले लेते राय ना देखिए अपना स्टेमिना देखे हम बन पाएंगे क्या कलेक्टर सब इंसान कलेक्टर नहीं बन सकते हर इंसान मोदी जी बन जाएंगे क्या
ठीक है, लेकिन हम होंगे कामयाब क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जैसे बनेंगे। अरे मोदी जी की जैसे स्टेमिना सबके पास नहीं है, और फिर एक किस्मत भी रहती है भाई, लक भी तो कोई चीज़ है ना, तो जो बन सके उसके देखो कि हम काम कर सके। देख लो अरे गायब हो।